ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये आज नहीं था, पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है और वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो 2013-14 में कानून बना था उसके खिलाफ हम सरकार को बार बार आगाह कर रहे हैं और सरकार हमारी सुनवाई भी कर रही है। 5 सालों में सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि जो नया बिड सिस्टम बना था वक्फ बोर्ड का, नया कानून 2013-14 में, जिसे हम लागू नहीं करवाना चाहते। सरकार ने ये कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, हम मानते हैं ये कानून गलत है। नकवी जी जो इस मंत्रालय के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनसे हम कम से कम 20-25 बार मिले हैं और उन्होंने बड़े खुले दिल से और बड़े साफ तरीके से टीवी पर और आप लोगों के प्रेस वार्ता में भी कहा है कि ये कानून वास्तव में काला कानून है, हम किसी भी सूरत में इसको लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद 2018 मार्च में उन्होंने पूर्व जस्टिस जकीउल्ला खान की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई और जो कि पूरी इंडिया से सभी की रिपोर्ट लाकर उनको देनी थी। अभी तक हमारे सामने कोई भी उस रिपोर्ट का कोई खुलासा नहीं हुआ है। हमने वक्फ बोर्ड हरियाणा में भी पूछा है और सेंटर में भी पूछा है, जबकि नकवी साहब का ये कहना है, उन्होंने 10 दिन पहले श्री अनिल कुमार जी जैन केंद्रीय महामंत्री, उनको कहा था कि हिसार में आए थे 22 अगस्त को सुबह 9:15 बजे, उन्होंने फोन पर कहा था कि जस्टिस जकीउल्ला खान की रिपोर्ट हमने लागू कर दी है 3 महीने पहले, लेकिन हरियाणा वक्फ बोर्ड के ऑफिस में पता करने से पता चला कि ना तो वो रिपोर्ट पोर्टल में है, ना ही उसकी कोई रिपोर्ट लागू की गई है और ना ही उनके पास पहुंची है, ना ही कोई गजट नोटिफिकेशन है, कहाँ लागू की है हमें नहीं मालूम। ये बिल्कुल बरगला कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले, हमें तकलीफ दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं और एकदम भ्रष्ट लोग हैं, एकदम बेईमान लोग हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को तरह तरह से। अभी आपने पुतला जलाया है, अब 10 दिन में तो आचार संहिता लगने वाली है, अब क्या करेंगे आप? आचार संहिता तो सभी पर लागू होगी ना, हमको तो नहीं ना। आज आपने पुतला जलाया है, अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? पुतला हम पिछले 5 साल से फूकते आ रहे हैं, हम भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं, हमारे पास परमिशन लेने गए हुए हैं और 8 तारीख तक हम यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हर एसोसिएशन के आए हुए लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी जो 8 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हम मिलें और उनसे विनम्र निवेदन करें कि हमारे इस समस्या का समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी ने काफ़ी प्रयास किए, उन्होंने वक्फ बोर्ड के आला अधिकारियों को भी कहा कि बिड सिस्टम मत लगाएं। बिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत खुली बोली के द्वारा जो भी किराएदार पुराना बैठा है उसको हटा दिया जाएगा, जो पुराना सबसे ज़्यादा जो किराया देगा उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड से हमें सिर्फ ज़मीनें मिली थी, कोई 70 साल से, कोई 75 साल से, कोई 50 साल से बैठा है और इस ज़मीनों का निर्माण इस पर रहने वाले लोगों ने किया है और जब जब इसका बनाने का परमिशन लिया या किराया बढ़ा, घूस इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ली, बहुत ज़्यादा दान लिया, इवन ये लोग काफ़ी धमका रहे हैं। पलवल में अभी ऐसा ही हुआ, दुआ टेंट वाले हैं वो बैठे हुए हैं लेकिन वहाँ के गुंडों ने वहाँ के लोगों से मिलकर, वहाँ के ईओ से मिलकर, वहाँ के जो रेंट कलेक्टरों से मिलकर किसी और के नाम रसीद काट दी। हमने सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद वो रसीद हमने कैंसिल करवाई, सीईओ हनीफ कुरैशी जी ने वो रसीद कैंसिल की है। ऐसे ही एक पानीपत में केस हमारे जगबीर जी हैं, उनकी ज़मीन का लेटर आ गया कि आपकी ज़मीन पहले एग्रीकल्चरल थी, अब ये म्यूनसिपल कमेटी में आ गई है, यू आर टर्मिनेटेड। इस धरने विच पंजाब तो श्री राकेश गुप्ता अते कुलदीप सिंह अते दीपांशु की रहनुमाई हेठ सैकड़े वक्फ बोर्ड लैंड होल्डर्स हरियाणा रोहतक विच पहुंचे।
श्री राकेश गुप्ता ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा, हरियाणा के रोहतक शहर के जो पूरे हिंदुस्तान के कई स्टेटा का रौला जो वक्फ बोर्ड वालों धक्का किया जा रहा है उसके खिलाफ अब भुख हड़ताल रखी गई सी, जिदे पंजाब हरियाणा दिल्ली हिमाचल चंडीगढ़ कई स्टेटा तो काफ़ी लोग जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बैठे ने, कोई किराएदार है किसी को लाठी है, इस तरह करके अज बहुत बड़े इकट्ठ के हंगूरा पड़िया लोगों ने और बड़ी दूरों दूरों अज जो लोग पिछले इकट्ठे होए और उत्थे एक वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूकया गया। इस प्रोग्राम के अज जिनी भी गिनती के जितों जितों भी लोग आए थे जोड़े वक्फ बोर्ड के लाठी ने प्लाट होल्डर ने सब ने एक फैसला किया कि जो भी साढ़े प्रधान अध्यक्ष ऑल इंडिया के घनश्याम गोयल जी सानू निर्देश देंगे अगली कार्रवाई उसके मुताबिक की जाएगी और सारे ने एक आवाज के हाथ खड़े करके ये फैसला लिता कि असी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसी कीमत पर अभी खाली नहीं करांगे और वक्फ बोर्ड वालों असी कोई धक्का नहीं कर देवांगे कि जो भी सानू अख्तियार संघर्ष का बनाना पाया असी संघर्ष करांगे और हर तरीके नाल जो साढ़े किन्नी कोई बकाया बनता है असी किराया भरने तैयार हैं और भरते भी सीगे और वक्फ बोर्ड ने चार पाँच साल तो किराया देना आप बंद किया, अज भी असी किराया देने तैयार हैं और एक बिल्कुल गल किसी सोचनी नहीं चाहिए भी जो वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी का अज बोली दिता तो अगले साल उसके उत्ते भी कोई बोली अगर दे सकता, इस करके किसी को असी बोली नहीं देन देवे और कोई प्रॉपर्टी असी खाली नहीं करा, हर तरीके जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है घनश्याम गोयल जी साढ़े अध्यक्ष ने जो निर्देश देंगे असी हर तरीके असी रल के चलेंगे और पूरे हिंदुस्तान के लिए गल फैल रही है और वक्फ बोर्ड में यह फैसला अपना वापस लेना पड़ेगा। मैं राकेश गुप्ता प्रधान व्यापार मंडल पटियाला अज पटियाले तो भी काफ़ी मात्रा के साढ़े दोस्त भरा पहुंचे ने और फैसला किया है कि असी पटियाले जाके वक्फ बोर्ड के जोड़े इलाके ने प्लाट होल्डर ने असी सारे इकट्ठे करके असी पटियाले के इस तौर की मीटिंग करांगे। ताजिया मिलिया खबरों मुताबक हुण वक्फ बोर्ड लैंड होल्डर के नुमाइंदे बीजेपी के मनीष ग्रोवर सहकारिता मंत्री रोहतक नूं मिलण तो बाद अगली कार्रवाई उलीकणगे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रेस पब्लिक।